मुख्यमंत्री ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष भट्ट साहब, मुख्य न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय बालकृष्ण साहब, मुख्य सचिव राजगोपालन जी, गुजरात राज्य के सभी स्तर के मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, ब्यूरोक्रेट्स, आमंत्रित मेहमानों, दोस्तों, सज्जनों, मेरे शुभेच्छु मित्रों, महानुभाव देवी और सज्जन, आज जो कुछ मेरे लिए शब्द मुख्यमंत्री जी ने कहे वो भाव विभोर होकर कहे, अति भाव विभोर हो गए थे और स्वाभाविक भी है। जब किसी आदमी को मन से अनुभूति होती है, किसी की विदाई पर, तो वो भावों में अतिरेक में आ जाता। मोदी जी भी अभी बहुत जवान है मेरे मुकाबले, ऊर्जावान भी, कर्मठ भी हैं, योग्य भी हैं, और उन्हें ये भावोत्पादन उत्पत्ति स्वाभाविक है, अच्छी बात है, ये प्रेरणादायी है। मित्रों, मुझे याद है कल जनान भाई व्यास उससे मिलने आए, किसी काम के संबंध में गुजरात के साबरमती आश्रम के प्रोजेक्ट को लेकर के उसके विकास को नया दृष्टिकोण देने की हमने मिलकर कोशिश की है। उसके कागजात लेकर आए थे और मुझे उस संबंध में कुछ केंद्रीय स्तर पर लिखने को कहा, बहुत सी बातें चली, पर्ची भी मिले थे, विधानसभा के काम से भी मिले थे, व्यक्तिगत भी मिले थे शुभेच्छा के लिए। तो मैंने पर जनान भाई व्यास का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जब ये मिले तो मैंने कहा जयान भाई, जब मैं गुजरात पर आया था राज्यपाल का पद लेकर, तो मीडिया में अनगिनत कहानियां मेरे बारे में छपी थी, मैं क्यों जा रहा हूं, क्यों भेजा जा रहा हूं, भेजने वालों का क्या मंतव्य है, क्या नियत है और मैं क्या करूंगा। मोदी जी भी उस वक्त मौजूद थे, मीडिया के मित्रों ने कहा कि व्हाट वुड बी योर रिलेशन विद द चीफ मिनिस्टर। आई टोल्ड देम दैट ऑफ ए गवर्नर एंड ए चीफ,
और जो कुछ मैंने कहा था उसको अक्षरश पालन किया। और इसीलिए मेरे उनके बीच में कभी कोई मतभेद भी नहीं हुआ। मनभेद तो क्या, मेरा ये मानना है कि गवर्नर राज्यपाल का रोल दायरा संविधान की चार दीवारी से बंधा हुआ है, फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर हैज टू एक्ट, इट इज वेरी ट्रू, सही है। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, दूसरे लोग सहमत हो या न हो, जरूरी नहीं कि मेरी बात से सहमत हो, पर मेरी ये मान्यता है कि राज्यपाल इज मच मोर देन व्हाट इज एनशाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इज द गार्जियन ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट ऑफ विच ही इज अ राइट। मैं एक संरक्षक हूं गुजरात की जनता का, गुजरात की प्रजा का, और मैंने कोशिश की है पिछले 5 सालों में कर्मणा वाचा मना मनसा वाचा कर्मणा कह दीजिएगा करेक्टली, कि गुजरात के प्रजा के हित में जो भी संभव हो वो किया है। मुझे याद है जयनान भाई भी थे उस डेलीगेशन में, तभी विधायक भी नहीं थे और भी बहुत से लोग थे। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई की बात को लेकर एक झगड़ा चल रहा था, विवाद था, और वही पहला दिन था जब मैंने मीडिया को वहां राजभवन में प्रवेश की इजाजत दी थी, वरना मीडिया के बंधु मुझे क्षमा करेंगे, मैंने 5 साल में आपके साथ अन्याय तो किया है, मैंने आपको मौका नहीं दिया राजभवन में आने का, मैंने आपको चाय पर भी नहीं बुलाया, और मैंने अभी कभी आपसे कोई पर्सनल इंटरव्यू भी नहीं, पर उस दिन जरूर मीडिया को मैंने आने का मौका दिया, और वो इसलिए दिया था कि वो गुजरात के सरदार सरोवर की बांध की ऊंचाई, गुजरात के 6 करोड़ लोगों के भलाई का प्रश्न था। मुझे प्रसन्नता आज बताते हुए कि मैंने प्रधानमंत्री जी से भी पत्र लिखकर निवेदन किया, तत्कालीन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर स्वच्छ सोच से भी पत्र लिखकर निवेदन किया, आज की लोकसभा की अध्यक्षा मीरा कुमार जी उस कमेटी की सदस्य थी, उनसे भी इस बारे में पत्र लिखकर निवेदन किया। मित्रों, तो आपको जानकर खुशी होगी, सबकी तरफ से मुझे सकारात्मक जवाब मिला। पीके लहरी पूर्व मुख्य सचिव नर्मदा के काम को देख रहे थे,
उनके लिए भी एक चैलेंज था, सब मुझसे मिलते रहते थे और ऊंचाई में क्या व्यवधान आ रहा है, क्या रास्ता हो, इसकी चर्चा भी मुझसे करते रहते थे। यदा कदा जरूरत होती थी तो मैं उनको थोड़ा रास्ता भी बताता। ठीक है कहा मुख्यमंत्री जी ने, तो साधुवाद देता हूं, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक कर दिया क्योंकि तो सोमनाथ में संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना हो ये मेरे मन की बहुत बड़ी अभिलाषा। मैं चाहता था तो सोमनाथ जैसे पवित्र स्थान पर भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी गूढ़ता को जानने के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी का वहां होना, गुजरात के बालकों को, लोगों को संस्कृत की जानकारी होना नितांत का आवश्यक। आनंदी बहन पटेल यहाँ बैठी हैं, ये तत्कालीन शिक्षा मंत्री थी। एक कार्यक्रम में संस्कृत के विद्वानों के में मुझे वहां इन्होंने आमंत्रित किया और मैंने इनसे निवेदन किया कि आप अपने मुंह से आज ही घोषणा कर दें वरना मुझे सार्वजनिक मंच से इसकी मांग उठानी पड़ेगी। मुझे प्रसन्नता है इन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया और खुद ने ही जाकर उसकी घोषणा की और शायद देश के इतिहास में इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन तो बहुत से आते हैं पर यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय एक ही साल में क्रियान्वयन हो जाए ये शायद गुजरात में पहला है। बहुत कुछ प्यार मिला है मुझे गुजरात के लोगों से। गुजरात के लोग साहसी हैं, उद्यमी हैं, दानवीर है, बड़े दिल के हैं। गुजरात की धरती महान है, गांधी और पटेल जैसे लोग यहां पैदा हुए। हम भूल नहीं सकते अनेक संतों जिन्होंने अपना योगदान दिया है गुजरात में। विवेकानंद जी ने यहाँ कुछ दिनों प्रेरणा दी। विवेकानंद ने अमेरिका के अंदर भारतीय संस्कृति का झंडा वंदन किया। गुजरात की भूमि साधारण भूमि है, ठीक है कभी कभी सामाजिक राजनीतिक अपरेशंस आते रहते हैं, दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। आदमी के जीवन में भी बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं तो सार्वजनिक जीवन में, देश प्रांत के जीवन में भी दुर्घटनाएं घटती हैं पर दुर्घटनाएं घटना एक बात है पर दुर्घटनाओं को भूल जाकर सामान्य व्यवहार पैदा करना ये सबसे बड़ी। अब गुजरात में शांति अमन है और जो जगन्नाथ की यात्रा कभी अमन के साथ निकला ही नहीं करती थी वो पिछले 5 सालों में तो अमन के साथ निकली है। मुझे एक बात कहते हुए और हर्ष होता है
कि मैं जब से आया हूं तब से गुजरात में सूखा भी नहीं पड़ा। तो मित्रों मैं देख रहा हूं, मुझे जाना तो था कायदे से 23 को अपना कार्यकाल मेरा समाप्त होता है, 24 को नए राज्यपाल को आना है, लेकिन मैंने देखा और अमूमन बहुत से राज्यपाल नए राज्यपाल के आने के पहले ही चले जाते हैं, और मैंने देखा कि लोगों का कितना प्यार मुझे मिल रहा है। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, लेकिन निरंतर लोग मेरे पास अनेक संस्थाओं के, अनेक लोग व्यक्तिगत बराबर मुझसे मिल रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं, उससे मैं अभिभूत। और मैं सार्वजनिक मन से कहना चाहता हूं कि गुजरात की जनता ने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी है। शायद मोदी जी ने कहा कि 85 साल की आयु में भी काफी मुस्कुराते रहते हैं, उस मुस्कुराने का कारण टेंशन रहित मुझे यहाँ जीवन जीने मौका मिला है। अपना राज्यपालों को अक्सर बहुत टेंशन में रहना पड़ता है। इसलिए बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि मेरा सार्वजनिक अभिनंदन किया गया है। ये अवसर जीवन में बहुत कम मिलते हैं लोगों को, पर मुझे मिला है, इसका मुझे गर्व है। धन्यवाद।